नमस्कार, डीएनएच न्यूज लाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर आज पहुंचे सिलवासा। दादरा नगर हवेली के डोकमंडी विस्तार में स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कॉलेज के ऑडिटोरियम में आज लाभार्थियों सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपेश टंडेल, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं हजारों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। इस दौरान केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने अपने संबोधन में कहा, मोदी जी की नेतृत्व में केंद्र सरकार की पिछले 9 वर्ष के उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्ष में मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं, टैक्स से जुड़े कई ऐसे काम किया जिसमें देश की तस्वीर बदल दिया है। पैसा देते हैं अकाउंट में, कितने लोग खाते में पैसा जाता नहीं जाता है। ये योजना अभी 31 दिसंबर 2023 तक लागू है और जरा जिला प्रशासन के लोग इस पर ध्यान दें। प्रधानमंत्री जी ने शौचालय लोगों को दिए गए, बिजली का कनेक्शन मुफ्त में दिया गया। अभी कई हजार लोगों का जिक्र कर रहे हैं, उसी तय होगी तो दरवाजा खटखटा के आपको कूड़ा उठा के ले जाएगा। यानी स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपको अपना घर साफ सुथरा रखना है। इसके लिए 15 अगस्त, इसके लिए 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथ में झाड़ू उठा करके सफाई अभियान शुरू किया। तो कितने लोग अपना घर और अपने घर के सामने जहां रहते हो सफाई रखोगे, जरा हाथ उठाओ। जिन लोग नहीं उठा रहे उनको देख रहे हैं, वो कूड़ा नहीं करेंगे इसका। सब लोग उठाइए दोनों हाथ। अच्छा काम करने में भी शर्म लगती है आपको। हाथ है अगर आपके पास तो आप उठाइए, नहीं हाथ है तो मत उठाइए। है तो दोनों हाथ पूरे उठाइए, ऐसे दिखने चाहिए। आपका वीडियो बनना है, भेजूंगा प्रधानमंत्री जी के पास, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी।